Ladies and gentlemen, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है लाइफ इन्फ्लुएंसर्स बंदे अच्छे हैं के एक बहुत ही खास एपिसोड में। इस बार फिर से हम आप सभी से वादा करते हैं कि हर बार की तरह ये एपिसोड भी आपको काफी प्रेरणा देगी और जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी देगी। तो चलिए हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 2 दशक आईप्रो को समर्पित किए हैं। ये गुजरात के एक वाइब्रेंट सिटी जामनगर से बिलोंग करती है और लाइफ इंश्योरेंस की दुनिया में एक असली दिग्गज रही है, एक रॉक स्टार रही है। हमारी आज की गेस्ट के करियर अचीवमेंट्स की बात करें तो सचमुच यही दर्शाता है कि ये काफी ब्रिलियंट है और इनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। ये अभी तक अपने आईप्रो के सफर में 5 बार COT, 8 बार MDRT, 11 बार स्टार क्लब क्वालिफायर, 13 बार लाइफ टाइम MDRT अचीवर रही है। जी हाँ, ये रिकॉर्ड दर्शाता है कि एक स्टार परफॉर्मर है और सचमुच एक लाइफ इन्फ्लुएंसर है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे टाइटेनियम इटर्नल एडवाइजर मिस हीनाबेन बदनागरा का इन येट अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंसर बंदे अच्छे हैं। नमस्ते हीनाबेन, कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो हीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। हम आज बहुत ही ज्यादा खुश है कि आप आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है और आज हमारे साथ आप अपना सफर शेयर करने वाले हैं, आपके लाइफ के बारे में, करियर हिस्ट्री के बारे में और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। हीना बेन, जामनगर गुजरात में अपने फैमिली और अपने बचपन के बारे में हमें प्लीज कुछ बताइए कि आपका बचपन कैसा था और आप शुरू से इतने ब्रिलियंट थी या फिर पहले शरारती थी फिर धीरे धीरे एक इन्फ्लुएंसर बनी? मेरा जो लाइफ का मैं स्टोरी बताऊं तो मैं पहले एक नॉर्मल शिपिंग कंपनी में मैं जॉब कर रही थी। तो मुझे ये सेल्स वगैरह कुछ आता ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं मुझे किसी के साथ मैं जुड़ गई और कोई मुझे कनेक्ट कर लिया और मैं उसके साथ शिपिंग कंपनी के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब ये करने लगी। मैं उसके बाद क्या हुआ कि मेरे लाइफ में मेरा एक यूनिट मैनेजर है जो निमेश अमासरा करके, वो आए जो मेरे यूनिट मैनेजर बने। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं स्टार क्लब भी कर सकती हूँ, मैं MDRT भी कर सकती हूँ, मैं COT भी कर सकती हूँ, ये सब चीज मैं कर सकती हूँ। लेकिन उसका विजन दिखा या मुझे निमेश सर ने। और सेकंड थिंग कि मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली का हर टाइम पे, हर मोड़ पे, हर एक क्षण पे उसका सब मुझे इतना सपोर्ट है। जो मेरी भाभी है, मेरी मदर है, मेरे ब्रदर है, वो सब लोगों का मेरे पास इतना सपोर्ट है कि जो मैं उन लोगों का जितना भी बोलूं वो कम है। थैंक यू सो मच मैम ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा। इसके साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि हीना जी, आपका बचपन कैसे रहा है? मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 ब्रदर है, मेरे 2 भाभी है, उसके 4 बच्चे हैं और हम लोग 5 सिस्टर हैं। तो जॉइंट फैमिली में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे कैसे सफर करके आगे जा सकते हैं। मेरी मदर है, वो भी एजुकेटेड है, अभी वो रिटायर्ड टीचर है मेरी मदर है वो। तो हम लोगों को स्ट्रगल कैसे करनी है, स्ट्रगल से आगे कैसे बढ़ना है, गोल कैसे सेट करना है, वो सब मेरे फैमिली वाले ने मुझे सिखाया है। और हर एक क्षण है ना, वो मैं मेरा फैमिली का
जितना भी मैं बात करूं उतना बात कम रहेगा। मेरा एक और भी सपना है कि मेरी ऑफिस जो है वो मुझे बड़ी करनी है, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाके मुझे सेट होना है, ऑफिस करके बिजनेस करना है वहीं पे, मुझे दुबई जाके कुछ करना है। मेरा कुछ प्लानिंग अभी के हिसाब से मेरा कुछ प्लानिंग है, वो सब कुछ मैं ऐसा सेट करके मैं विजन देख रही हूँ कि वो विजन पे मैं कैसे सेट होके जाऊँ। मैम, और जैसे आप चल रहे हो, जैसे आपके अचीवमेंट्स हो रही है, हमें पूरा यकीन है कि ये जो आपका सपना है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। तो चलिए हम हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अब हम बात करेंगे आपके प्रोफेशनल सफर के बारे में। तो हीना जी, अपने आपका जो जीवन है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ये आपने कैसे शुरू किया? हमें आपने थोड़ा बहुत बताया था आपके सर के बारे में, प्लीज हमें थोड़ा और बताइए कि आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस इंडस्ट्री में शुरुआत करने के लिए। मैंने बताया कि मैं नॉर्मल एक शिपिंग कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट थी और वहीं पे एक यूनिट मैनेजर था जो मेरे मैनेजर को मिलने के लिए आए थे, जो कॉल करने के लिए आए थे। तो उसने बताया कि नहीं आप ये भी कर सकते हो, तो मैंने बोला नहीं ये सेल्स से मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं सेल्स में कभी गई नहीं हूँ। तो उसने बोला नहीं आप स्टार्ट करो, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है चलो हम ज्वाइन करते हैं। तो उस टाइम में तो मेरी सैलरी वहीं पे बहुत कम थी और मैंने स्टार्टअप मेरी करियर का किया तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं मैं भी ये भी मैं कर सकती हूँ। तो मैं थोड़े टाइम के लिए मैंने किया तो फिर ये जो इनकम जनरेट होने लगी वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी होने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो मैं गलत सोच रही थी कि मैं सेल्स नहीं कर सकती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमें ये भी सुनने में आया है हीना जी कि काम के अलावा आपको स्टॉक मार्केट, अकाउंटिंग और बिजनेस में भी काफी इंटरेस्ट है। तो हमें बताइए कि आपको ये सब चीजों में फैसिनेट क्या करता है, आप क्यों इतना इंटरेस्टेड है ये सब चीजों में मुझे काम जहां करने जहां में। पे जहां जहां पे मुझे फिगर दिखते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरी सबसे अच्छी हॉबी है वो भी बोलिए आप मुझे, सबसे अच्छी हॉबी है मेरा जो इक्विटी मार्केट है वो मेरी हॉबी है। अगर मैं कुछ काम करती भी हूँ कुछ काम नहीं भी करती हूँ तो भी मुझे जब मार्केट स्टार्ट होता है ना तो मैं देखने के लिए तो बैठ ही जाती हूँ। और जितना अचीवमेंट मुझे इंश्योरेंस कंपनी में दिलवाया है इतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो मैं इक्विटी मार्केट्स में मेरे क्लाइंट्स जो है उसका कैसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें मैं उसको बताती हूँ कि ताकि यहाँ से वो उसका वहां तक ग्रोथ लेके जा सकता है, वो सभी चीजें मुझे इक्विटी मार्केट है उसने और ये सब जो विजन है ये सब चीजें है, ये छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती है कि कस्टमर का किस तरह से पोर्टफोलियो हैंडल करना है, कस्टमर को किस तरह से हैंडल करके वेल्थ क्रिएशन करनी है, कस्टमर का मुझे वेल्थ क्रिएट कैसे करवाना है, वो सब मेरा हॉबी है। और हमें ये भी सुनने में आया है कि आपकी जो माँ है वो इकोनॉमिक्स और गुजराती लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स की टीचर रही है। हमें बताइए कि उनका टीचर होना ये आपको अपने करियर में कैसे हेल्प हुआ है। हाँ मैम, जैसे कि कोई भी बच्चा होता है तो वो सबसे अच्छा टीचर होता है वो उसका मदर होता है, सबसे अच्छा टीचर होता है वो मदर होता है। तो मेरी मदर तो टीचर भी है और मेरी माँ भी है और तो मेरे अभी आंटी अंकल सभी फैमिली में मेरे टीचर ही है, सभी फैमिली वाले टीचर है। तो मुझे एक से अगर कुछ सीखना नहीं मिला तो दूसरे से सीखना मिला, दूसरे से हाँ, नहीं मिला तो तीसरे से सीखना मिला। मेरा अंकल है ना वो ऐसे थे कि वो बिजनेस हम लोग कहीं पे जाते हैं ना तो बोलते हैं कि एक काम आप गए थे ना तो कस्टमर को अच्छी तरह से समझाया आपने, मैंने बोला हाँ समझाया, ठीक है अच्छी तरह से समझा दिया है ना तो वो अच्छा ही होगा। तो आप पे कभी वो प्रेशर या एक्सपेक्टेशन रही थी कि क्योंकि आपके फैमिली में इतने टीचर्स थे, मम्मी भी टीचर थी, कि आपको भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना पड़ेगा? क्योंकि आपने जो पाथ चूज किया है ये बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल और बहुत ही डिफरेंट पाथ है। तो उस बात में कभी वो बात हुआ कि नहीं एक सिंपल सा 9 to 5 जॉब या टीचर कर लो, क्यों इतना बड़ा रिस्क या चैलेंजिंग डिसीजन आपने लिया है लाइफ में? नहीं हमारे फैमिली वाले ने कभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला है, उन लोगों ने यही बोला है कि आपकी जो मर्जी है आपकी जो रुचि है आप जहाँ चाहते हो वहीं पे आप जाइए, वहां से आपका करियर का है ना
वो डोर ओपन हो सकता है, हम लोग प्रेशराइज करके कुछ भी चीजें कराएंगे तो उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। तो हीना जी, ऑफ कोर्स आपकी करियर इतनी बड़ी रही है, इतनी अच्छी रही है, बट जरूर आपके करियर में भी बहुत सारी चैलेंजिंग मोमेंट्स या पर्सनल वीकनेसेस भी आए होंगे, तो प्लीज हमें थोड़ा बताइए आपके चैलेंजिंग मोमेंट्स के बारे में और कैसे आपने उन सिचुएशंस को ओवरकम किया है। मैम, चैलेंजिंग्स को लाइफ में आती ही रहती है, कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि हमें चैलेंजिंग है वो लाइफ में खत्म हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि मेरी आंटी है वो फरवरी महीने में एक्सपायर हो गई थी, उसी टाइम पे मेरे पास भी बिजनेस का भी चैलेंज था, तो ये स्ट्रगल भी आती है, सक्सेसनेस भी मिलती है, दोनों मिलते हैं, लेकिन चैलेंजिंग तो हर टाइम पे होती है लाइफ में। हम घर से निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस से बाहर जाते हैं, तो वो सब चैलेंजिंग ही है। तो मैम हमें ये बताइए कि हर साल आपको क्या मोटिवेट करता है जिसके कारण आप हमेशा एक्सीलेंस की ओर बढ़ने की कोशिश करती रहती है। मैम, मेरा एक ही चीज है कि मैं खुद सेल्फ मोटिवेट हूँ, मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी ये चैलेंज है, मेरा जो सपना है, जो मैंने बताया कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाके भी मुझे एक ऑफिस करनी है, वहां जाके मुझे कुछ अचीवमेंट करना है, तो ये सब चीजें करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होना ही जरूरी होता है। अगर मुझे मुझे समझो कि मैंने कुछ अच्छा बिजनेस डाला और सामने वाले ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो किया है वो मैं खुद के लिए मैंने किया है। हीना जी, इसी सेगमेंट में हमारा आखिरी सवाल है कि आप हमारी यंग जनरेशन को वो एक इम्पोर्टेंट कौन सी एडवाइस देना चाहते हैं? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी यंग जनरेशन को कि हमारा गोल लाइफ में हमें सेट करना है और उसी रास्ते पे हमें चलना है, कोई भी मुसीबतें आती है तो उसको भी पार करके आगे जाना है। हीना जी, कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई मजबूत ताकत जरूर होती है। आपकी फैमिली लाइफ और करियर में आपकी स्ट्रेंथ की सोर्स कौन रही है या रहा है? देखो, कोई एक का नाम बताएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, सभी का रोल मायने रखता है, फैमिली का भी, ऑफिस में मेरे स्टाफ है वो भी इतने मायने रखते हैं, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो वो लोग भी मेरे सपोर्ट में रहते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है का जिसके मुश्किल वक्त में उन्होंने आप पे बहुत आंख मूंद कर भरोसा किया है, ऐसा एक जन कौन है जिसके बारे में आप कहना चाहोगे? मैम, एक तो मेरे फैमिली वाले, मतलब फैमिली वाले में मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे ब्रदर, मेरी भाभी, मेरी मदर, वो सब लोगों की ताकत एक ही रहती है। दूसरा, जो मेरा यूनिट मैनेजर है, जो निमेश सर है, उसकी भी इतनी रोल मायने रखता है कि हम लोग जब भी कहीं पे वीक पड़ते हैं तो वो तुरंत ही बोलते हैं कि नहीं, आप कर सकोगे। आपका अगला जो माइलस्टोन या गोल है जिसके तरफ आप काम कर रहे हैं, वो गोल क्या है? मैं मुझे आगे, मैं जहां से, जहां मैं हूँ खड़ी, वहीं से तो मुझे आगे जाना ही है, लेकिन मेरा एक गोल ऐसा भी है कि जो मुझे अभी, मैं, मेरा वर्कआउट चल रहा है उसके ऊपर, वो वर्कआउट खत्म हो जाएगा तो खुद में खुद देखने लगेगा कि ये चीज भी हो गई। आपके काम के क्षेत्र में कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिजनेस की क्वालिटी या बिजनेस की क्वांटिटी? बिजनेस की क्वालिटी नहीं, क्या क्वांटिटी, क्वांटिटी खुद में खुद बन जाएगी जब क्वालिटी हमारी अच्छी होगी तब। अब हम पहुंचे हैं वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट पर जिसका नाम है रैपिड फायर, और इस सेगमेंट के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ आपके फैमिली मेंबर्स से भी कि वो प्लीज हमारे साथ यहाँ पर स्क्रीन पर ज्वाइन हो। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरे परिवार को साथ में देखकर, बिग बिग थैंक यू टू योर एंटायर फैमिली। सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं आपकी मम्मी के पास जाना चाहती हूँ और माँ से पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है आंटी जी? मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है कि मेरी बेटी किधर पहुंची है। कैसे फील हो रहा है सारे सिस्टर्स को, आप क्या कहना चाहती है हीना जी के बारे में और उनके इस बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल करियर हिस्ट्री के बारे में? हीना दीदी है वो हमारे घर की नींव है, यू नो, उसके बगैर हम अपना परिवार सोच ही नहीं सकते। कुछ भी फाइनेंशियल, कुछ भी हमको इन्वेस्ट करना होता है, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो कौन बताएगा, तो के हीना दीदी, तो हीना दीदी है वो हमारे घर की श्योरली नींव है, बहुत ही जड़ से वाली नींव है। And at the same time, we also have your nephew Ujjwal, who's joined us all the way from Toronto, Canada. Firstly, thank you so much, Ujjwal, for taking your time out. Please tell us a little about your auntie. So basically, I could tell that she is, for me, she's everything. She's my mentor. She's my aunt. She's my protector. She has helped me so many times. Like, I couldn't even count in my fingers, though.
But the most important thing is that she gave me a real reason and gave a meaning to my studies. Like right now, I did my financial planning just because I didn't knew first that in which field I would go. But thanks to her, I worked with her and I got a clear perspective that getting into a field of finance is all I want. Thanks to her. इसी बात पर हम बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर सेगमेंट की ओर. तो सबसे पहले तो मैं परिवार के पास जाना चाहती हूँ और कुछ सवाल परिवार वालों से पूछना चाहती हूँ. आई जस्ट आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन, जिसको भी जवाब देना है आप फ्रीली दे सकते हो. उज्ज्वल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन. सो सबसे पहला जो रैपिड फायर क्वेश्चन है, आप सभी को पहाड़ पसंद है या समुद्र? माउंटेन्स. ट्रेडिशनल क्लोथ्स और फॉर्मल क्लोथ्स? ट्रेडिशनल. ओके, नेक्स्ट वन, चौपाटी की चाट या फिर घर का खाना? ढोकला या फाफड़ा? ढोकला. और आखिरी सवाल, क्रिकेट या बैडमिंटन? क्रिकेट. परफेक्ट. आप हम जाते हैं हीना जी के पास. हमें बताइए आपको कौन सा पसंद है, गुजरात, जामनगर या फिर कोई अदर सिटी? नहीं, जामनगर में तो मैं रहती हूँ, मतलब वो सबसे अच्छा पसंद है मुझे. सबसे जाने वाली हूँ, वो कैसे पसंद करूंगी वो देखूंगी आगे जाके. तो वही मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लोकेशंस? मुझे अब तक जो मैंने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है वहां से सबसे अच्छा ट्रैवल मुझे लगा है वो मोंटे कार्लो लगा है, जो मेरी मम्मी के साथ में गई थी. स्टार्टअप कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी? Multinational company. International, multi-international company, yeah. Okay, last question. Part-time job या full-time job? Oh, पहले मेरा part-time job था, वो अभी full-time कब हो गया वो पता ही नहीं चला. इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को बहुत ही ज्यादा स्पेशल एपिसोड को क्लोज करूँ, यानी हिना जी, लास्टली आप क्या कहना चाहते हो? बस ये जो मेरा जो फैमिली है ना, वही सबसे अच्छा मेरा सपोर्ट है. मेरी सपोर्ट सिस्टम है वो वही है. जस्ट वन वन एंड वन थिंग, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम. शी इज लाइक माय सन सेज, शी इज सो केयरफुल एंड शी इज सो डेडिकेटेड. सो वी एवरीवन थिंक शी इज द इंजन ऑफ द लाइफ दैट वी गवर्नमेंट सेज अवर मोदी जी लाइक दैट शी इज आल्सो अवर इंजन. सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम. Thank you so much, sir. That was so beautiful that she is the engine of your family. Once again, I want to thank all the family members. Aapne special episode ko aur bhi zyada special kar diya hai aapke presence se. Once again, thank you for joining us here today. And of course, thank you so much, Hina ji, apna keemti waqt nikalne ke liye aur apni life journey aur experiences hamare saath apne andaaz mein share karne ke liye. हम सभी आपको सल्यूट करते हैं. लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपने जो डेडिकेशन दिखाई है, और हम आशा करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप लाइफ में और भी आगे बढ़ेंगे, आपके सारे कार्य जो भी कार्य है उसे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपको और भी ज्यादा सफलता मिलेगी. और हम ऐसे ही आपसे इंस्पायर होते रहेंगे. दोस्तों, ये बंदे मस्त है, जबरदस्त है, क्योंकि बंदे I am Nisha Shetty. We'll see you all again in the next episode with another inspiring and exciting personality and their story on Life Influencers. Bande Achhe Hai. Thank you so much, everyone, and see you all very soon. Hina, meri teen betiyon se badi beti hai. Wo bachpan se hi honhar thi, apne irade mein pakki thi, apna jo goal nakki karti hai वह पूरा करके ही रहती है. पिछले दो दायके से या 20 साल से ऐसे प्रूडेंशियल में काम कर रही है. इसके पहले वह एक शिपिंग कंपनी में सर्विस करती थी एज अ अकाउंटेंट, मगर उसने देखा कि ICICI प्रूडेंशियल में काम करने से हमारा गोल सिद्ध होता है, हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है. तो इसमें उसने अपनी प्रगति देखी और जो आगे बढ़ी वो उसका तो हम अंदाजा ही नहीं मार सकते. हिना काम करने में नेक है, अपने क्लाइंटों को पूरा वक्त देती है, साथ साथ में वो फैमिली के साथ भी मिलजुल कर रहती है और सबको समझाती है कि जो हमें काम करना है वो कठोर परिश्रम करना है, मेहनत करना है. जो मेहनत करता है उसको कभी हार नहीं होती. अपने करियर में उसे COT
आईसीआईसी में जो भी स्टार क्लब में हो वो सब हासिल करती है। मैं भी एक लड़की के साथ पेरिस अवार्ड लेने के लिए गई थी, कश्मीर भी गई थी। वहाँ हमने देखा कि जो उसके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे थे। हिना है वो पोते स्वार्थी नहीं है, परमार्थी भी है, सबका भला इच्छती है। हमारे फैमिली में जो हिना का स्थान है बहुत अग्रस्थान है, वो सबको मान देती है, अपनी भाभियों, अपनी बहन, अपने बनोई सबसे कहती है कि बस हमें काम करना है, हमें कुछ प्राप्त करना है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो उस स्थान तक उसे पहुंचना है, उसे फॉरेन में भी अपनी ऑफिस करने का सपना सेवती है। वो तो इतने इतने काम में लगती है कि रात्रि में जो 2-2 बजे आती है मगर सवारे 6 बजे उठ जाती है और अपने काम में चली जाती है। सवेरे 9 से लगकर रात्रि 9 तक अपनी ऑफिस में रहकर काम करती है, अपने क्लाइंटों से मिलती है, फ़ोन पर बातचीत करती है, घर में आकर भी जो कोई भी का फोन आता है तो वो अटेंड कर लेती है। इसका जो गुण गाए तो किसी को ये लगे कि अपनी बेटी का बहुत वखाण कर रही है, लेकिन सच्ची बात बहने में मुझे शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ अपने गुजराती में कहवत है कि बेटी को वखाणा नहीं अने खिचड़ी ने हलावाई नहीं, मगर मैं कहती हूँ कि जो अच्छा है जो सच्चा है इसके लिए सच्चा बोलना बहुत जरूर है, क्योंकि इससे उसे प्रेरणा मिलती है। ए हमें जो अच्छा है उसे अच्छा कहे तो उसके मन में काम करने की धगस मिलती है। हिना को देखकर कई लड़कियों ने अपनी नवी करियर भी शुरू की है। वह अपनी ऑफिस वाले अपनी जो लड़कियों काम इसके साथ करती है उसका भी इतना सोचती है, कुटुंब का भी सोचती है, समाज का भी सोचती है, मगर इसमें बहुत हिम्मत है। वो भावुक भी इतनी ही है, वो बहुत लागड़ीशील होती है, किसी का दुख देख नहीं सकती, किसी का दुख देखे तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है। वो उसके मदद करने के लिए जाती है और कई लोग को मदद भी करती है, लेकिन किसी को बोलती नहीं। मैं तो सब जानती हूँ कि मेरी लड़की कितनी परोपकारी भी है, अपने धंधे में नेक है, अपने क्लाइंट को अपने सगे संबंधी जैसे ही मानती है, वो उस किसी को नीचा नहीं मानती। जय हिंद।